नमस्कार, मैं हूं राहुल गोयल और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पांच की आंच। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं अपर्णा मौजम और पांच की आंच में सबसे पहले बात होगी हरदा की। बताएंगे कैसे धमाके के बाद यहां बारूद को ठिकाने लगाया जा रहा है। खरगोन में मौत वाली शर्त भी आपको दिखाएंगे। बात एमपी में बढ़ते अपराधों की भी होगी। बताएंगे कैसे भिंड में दबंगों ने सरपंच के साथ की मारपीट और बात विधायक जी की कार की भी होगी। लेकिन सबसे पहले बात हरदा की, जहां पटाखा फैक्ट्री में धमाके के बाद अब बारूद को ठिकाने लगाया जा रहा है। रात के अंधेरे में चोरी छिपे पटाखे फेंके जा रहे हैं। नगर पंचायत तक पर पटाखों को ठिकाने लगाने में मदद करने के आरोप हैं। रिपोर्ट देखिए। हरदा में धमाके के बाद हर तरफ बारूद ही बारूद नजर आ रहा है। फैक्ट्री में बारूद, घरों में बारूद और अब तो पानी में भी बारूद है। ये तस्वीरें देखिए, नहर के किनारे बम का ढेर लगा है। रात के अंधेरे में इन बमों को ठिकाने लगाया जा रहा है, बारूद को पानी में बहाया जा रहा है। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि इन बमों को ठिकाने लगाने वाले नगर पंचायत के कर्मचारी हैं। नगर पंचायत की ही गाड़ी से यहां लाकर बम फेंके जा रहे हैं। विक्रमपुर गांव की ओर जाने वाली नहर के किनारे हजारों बम फेंके गए हैं। इन बमों को नहर में फेंकने का इरादा था, लेकिन किसानों की नजर पड़ गई। किसानों ने कुछ लोगों को नहर के किनारे देखा और बम ठिकाने लगा रहे लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि ये नगर पंचायत के कर्मचारी हैं। पटाखे फेंकने वालों ने तहसीलदार का नाम लिया, लेकिन जब तहसीलदार से बात की गई तो उन्होंने इनकार कर दिया। इस घटना के बारे में जब सीएमओ से बात की गई तो उन्होंने कहा कि तहसीलदार के ही कहने पर गाड़ी दी गई थी। तो अब सवाल ये है कि आखिर कौन झूठ बोल रहा है? नगर पंचायत की गाड़ी से पटाखे क्यों ठिकाने लगाए जा रहे थे? कहीं पटाखा फैक्ट्री के मालिकों के साथ मिली भगत तो नहीं? हरदा से प्रवीण सिंह तवर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अब बात मौत वाली शर्त की। खरगोन में दोस्तों के बीच शराब पीने की शर्त लग गई और शर्त जीतने के चक्कर में एक युवक ने इतनी शराब पी ली कि उसकी मौत हो गई। तो वहीं मंडला में एक गांव ऐसा भी है जहां है शराब की नो एंट्री। शर्त जीतने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, जरा इधर देखिए। जाम पर जाम छलकाए जा रहे हैं, पैग पर पैग गटके जा रहे हैं। दोस्तों के बीच 500 रुपए की शर्त लगी है, बिना पानी मिलाए 5-5 क्वार्टर नीट शराब पीने की शर्त। लेकिन ये खबर हम आपको अनोखी शर्त के बारे में बताने के लिए या शराब पीने की इनकी क्षमता दिखाने के लिए नहीं, इस शर्त का नतीजा क्या हुआ और क्यों शराब नहीं पीनी चाहिए ये बताने के लिए ये खबर दिखा रहे हैं। महज 500 रुपए की शर्त जीतने के चक्कर में इनमें से एक शख्स की मौत हो गई। घटना खरगोन के झिरन्या की है। यहाँ दोस्तों के बीच शराब पीने की शर्त लगी और शर्त जीतने के लिए दिनेश नाम के शख्स ने इतनी शराब पी ली कि उसकी मौत हो गई। उसको कंपटीशन के हिसाब से शर्त रखी कि जो 5-5 पौवा पी जाएगा उसको 500 रुपये इनाम दूंगा, पर पानी भी नहीं डालना चाहिए, बोले सूखा पीना चाहिए, ऐसा बोल के। अब वो पीएल थे तो उन्होंने उठाया, फटाफट पी गए। तो दो थे उसमें, तो एक था तो उसने शायद कम पी तो वो रिकवर हो गया और इसका घबराहट होने लगी, बिगड़ता गया स्वास्थ्य। तो साहब उसके बच्चे भी छोटे छोटे हैं और कोई घर में कमाने वाला है नहीं। इन युवकों ने शर्त जीतने के लिए कैसे जान से खिलवाड़ करते हुए शराब पी, इसका वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि ये किस तरह शराब पी रहे हैं। महज 500 रुपए के लिए जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। शराब पीने से दिनेश और अरुण नाम के युवकों की तबीयत खराब हो गई। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां दिनेश की मौत हो गई। शर्त के चक्कर में जान चली गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शराब सेहत के लिए हानिकारक है, ये बात इन दोस्तों ने तो नहीं मानी, लेकिन मंडला की ग्राम पंचायत देवरा के लोग समझदार हैं। ये समझते हैं कि शराब से दूरी ही बेहतर है।
गांव को नशा मुक्त करने के लिए गांव वालों ने खुद पहल की और गांव को शराब मुक्त कर दिया। फिर हम ये सोचे, हम लोग ये सारे मिलके ये पहल उठाए कि भाई गांव में हम लोग कोटवार के द्वारा मुनियादी करवाए और फिर महिला भी और पुरुष भी सारे मिलके बैठे और हम लोग ये थोड़ा सा रणनीति बनाए कि भाई ये हम बहुत अपने गांव में बहुत अति से ज़्यादा होने लगा है तो इसको हम क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो सब लोग बैठ के, महिला पुरुष बैठ के और एक सलाह बनाए। समय के बाद में हम लोग जो जुर्माना है, जैसे बनाने वाले को 10,000 है और जो पी के बाहर से पी के जो गांव में आए और समाज में जो मतलब उसमें दिक्कत डाले, विधन डाले, तो उसको हम लोग 5,000। तो यहाँ बहन भी बैठे है, महतारी भी बैठे है, और तुम पी खाए के अल्लाह जुबान करत हो तो कोई सुन के तो शर्म आना चाहिए, हाँ नहीं आना चाहिए है? अभी मोरे आगे तुम कछु बताने बेटा, तब मैं तुम्हारी माता आऊँ, एक की माता नहीं तुम्हारी भी माता आऊँ न। इसलिए से हम कहान कि भाई दारू बनाना बंद। अब दारू जो कोई बनावे तो वह तो फायदा में रहा, और जो कोई पियाँ हूँ तो रोना रहा न रहा। उनको हम 10,000 रुपए के जुर्माने किए हैं, तीन लोगों के ऊपर कर दिए हैं। अभी शांति है गांव में, अभी शांति है गांव में, बड़ा अच्छी आनंद आया है हमें। उनके दबाव के कारण जो है, हमारे एक संगठन सलाह गांव के बनाए हैं हम कि हमसे अगर ज्यादा उबल के जाओगे तो इस प्रकार की आपको दंड किया जाएगा। ग्रामीणों ने पहले गाँव में बैठक की, फिर रैली निकाल कर लोगों को जागरूक किया और इसके बाद गाँव में शराबबंदी का ऐलान कर दिया। गांव में शराब की नो एंट्री है, शराब बनाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना और शराब पीने पर 5,000 रुपए का जुर्माना है। यही नहीं, शराब की जानकारी देने वालों को 500 रुपए का इनाम भी मिलता है। इस पहल की वजह से गांव अब नशा मुक्त बन गया है। अधिकारी भी इस पहल की तारीफ कर रहे हैं। शराबबंदी का ऐलान कर दिया गाँव में और शराब बनाने वाले के ऊपर 10,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान किया। पीने वाले यदि सार्वजनिक स्थानों पर घूमते मिलते रहे तो उनके ऊपर 5,000 रुपये का जुर्माना, और इनने एक 500 रुपये इनाम का भी प्रावधान किया उसमें कि जो हमें शराब बनने वाले के का पता देगा या पीने वालों का पता देगा तो 500 रुपये का इनाम भी रखा। जैसा कि सभी को विदित है कि पैसा अंतर्गत ग्राम सभाओं को बहुत अधिकार दिए गए हैं और उसी तारतम्य में ग्राम में जो कुरीति चल रही थी कि लोग कच्ची शराब पी रहे थे, उसके विरोध में सभी लोगों ने बैठ के बातचीत करी और ये निर्धारित किया कि हमारे गांवों में शराब प्रतिबंधित होगी। इसमें सभी लोगों ने भी अपना समर्थन दिया है और जैसा कि हम लोगों को अब खबर प्राप्त हो रही है, उससे गाँव का माहौल भी बहुत अच्छा हो गया और लोगों का पैसा और स्वास्थ्य भी सुधर रहा है। शराब पर बैन के बाद अब गांव में ना तो कोई विवाद होता है और ना ही लड़ाई झगड़े, गांव में खुशहाली लौट आई है। कई और पंचायतों ने इससे प्रेरणा भी ली है और शराबबंदी की योजना पर काम शुरू कर दिया है। खरगोन से आशुतोष पुरोहित और मंडला से कृष्णा साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। वहीं मध्य प्रदेश